खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने जो नोटिस उनको मिला था उसका जवाब दिया है। बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने जवाब इस नोटिस का दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी की नोटिस का यह जवाब दिया गया है, जिस तरीके से घमासान इनेलो में मच रहा था उसके बाद इनेलो की अनुशासन समिति ने यह नोटिस भेजा था, जिसका दुष्यंत चौटाला ने अनुशासन समिति को बताया असंवैधानिक। इसी के साथ अनुशासन समिति ने मुझे गोहाना रैली की वीडियो उपलब्ध नहीं कराए हैं। अनुशासन समिति से रैली में हुई अनुशासनहीनता के वीडियो की मांग की थी और अनुशासन समिति मनमाने तरीके से काम कर रही है ये कहा है। मुझे समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला गया है, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का मौका मुझे दिया जाए, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। मामले में चल रही है कार्रवाई से मुझे अनदेखा किया गया है। साथ ही जो नोटिस था उसका जवाब यहां पर मांगा है। आपको बता दें कि यह कहा है कि अनदेखी हुई है और जो कार्रवाई हुई है उसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ये नोटिस आप देख सकते हैं, जिस तरीके से इनेलो में घमासान मचा था, ये कहा गया था कि अनुशासनहीनता की गई है। उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई उसमें मुझे नहीं शामिल किया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, जिस तरीके से इनेलो में घमासान मच रहा था उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा था ये अनुशासनहीनता इसमें साफ तौर पर थी और जो भी कार्रवाई की उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, उनको जिस तरह से अनुशासन समिति की, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2018 को जो गोहाना में रैली हुई थी चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर, उसमें हूटिंग हुई थी और उस हूटिंग के लिए जो है दुष्यंत को कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है। उसको मानते हुए दुष्यंत को नोटिस दिया गया था और उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उन्हें जो है जवाब देने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने जवाब देने के बजाय और साक्ष्य मांगे थे, वीडियो साक्ष्य मांगे थे। अब जब उन्होंने दोबारा जवाब दिया है तो उसमें वही बात दोहराई है कि जब 14 अक्टूबर को उन्होंने पत्र लिखकर जवाब देने के लिए वीडियो साक्ष्य मांगे थे वो उनको मुहैया नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो अनुशासन समिति है उनको जो नेचुरल जस्टिस का जो तरीका है अपना पक्ष रखने का वो पालन नहीं कर रही है, तो ऐसे में वो अनुशासन समिति को ही कहीं ना कहीं असंवैधानिक करार दे रहे हैं, जिससे एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि पार्टी की अनुशासन समिति को वो असंवैधानिक करार दे रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई का मौका मिलना चाहिए था या अपने आप को निर्दोष साबित करने का, वो नहीं दिया गया। तीसरा अब वो कह रहे हैं कि उनको जो है ये एक और मौका मिलना चाहिए व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने आप को निर्दोष साबित होने का। लेकिन जी, जिस तरीके से अब ये एक और चीज सामने आ गई है, तो इसमें क्या लगता है आपकी जो घमासान है जो रारे वो पार्टी में और बढ़ेगी, इसको ऐसे समझा जाए? देखिए, अब जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और पिछले दिनों जो उनके अलग अलग जिलों में हुए कार्यक्रम के दौरान बयान आए थे, उन सबसे साफ है कि जो पार्टी के अंतरकला थी वो 7 अक्टूबर को बाहर आई और 11 अक्टूबर को और भी बढ़ गई। अब आज फैसला होना था, आज कल जो उन्होंने जवाब दिया उससे भी लग रहा है कि अब ये मामला रुकने वाला नहीं है और राजनीतिक जो वार पलटवार पार्टी के नेताओं के अंदर चल रही है वो आगे और भी बढ़ेगी। जी सुजीत जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब है, 2019 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस रार का क्या असर पड़ेगा उस पर? देखिए, पार्टी अगर खास तौर पर वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है INLD हरियाणा की, और विपक्षी पार्टी में अगर इस तरह की दो गुट बनते हैं और बाद में अगर ये आगे चल के और बढ़ता है मामला, अगर दो धड़े हो जाते हैं पार्टी के, तो कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान तो होगा। अगर एकजुट रहेगी पार्टी तो उसका उनको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कहीं एकजुटता नहीं रह पाती है तो उसका पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। सुजीत जी, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं हरियाणा में, उनको बैठे उठाए एक मुद्दा दिया जा रहा है, हाथ में एक मुद्दा थमाया जा रहा है?
बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि अगर एक जो मुख्य विपक्षी दल है अगर वो दो धड़ों में अलग होती है तो उनके लिए ये फायदे का वो रहेगा, मौका रहेगा, और वो कहीं ना कहीं अगर उनके लिए चुनौती अगर बनती भविष्य में या चुनाव में तो वो उनको कहीं उतनी बड़ी चुनौती नजर नहीं आएगी जितनी होनी चाहिए थी। जी सुजीत जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।